बिस्मिल्लिम आज हम देखेंगे प्रोसीजर बेरम्स स्वेलो कि बेरम्स स्वेलो प्रोसीजर क्या होता है और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देखेंगे और फिर इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ बेरम्स स्वेलो बेरम्स स्वेलो क्या है सेकेंड पॉइंट क्लिनिकल इंडिकेशन्स क्या होती हैं बेरम्स स्वेलो प्रोसीजर की आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल इंडिकेशनस का मतलब पेशेंट को किन प्रॉब्लम्स की वजह से बेएम्स वालों प्रोसीजर परफॉर्म करवाया जाता है थर्ड पॉइंट है कंट्रा इंडिकेशंस मतलब किन वजूहत की बिना पर बेम्स वालो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जा सकता फोर्थ पॉइंट है पेशेंट प्रिप्रेशन फाइव पॉइंट प्री मेडिकेशंस मतलब प्रोसीजर करवाने से पहले पेशेंट को कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए या यूज़ नहीं करनी चाहिए सिक्स पॉइंट कंट्रास्ट मीडिया मतलब इसमें कंट्रास्ट मीडिया का यूज़ कैसे होता है सेवन पॉइंट इक्विपमेंट्स मतलब कौन सा सामान यूज होता है बेरिम्स वेलो प्रोसीजर में एट पॉइंट है एक्सपोजर फैक्टर्स मतलब हमने एक्सपोजर फैक्टर्स क्या रखने हैं के वी और एम एस हाई रखना है या लो रखना है नाइन पॉइंट है टेक्निक मतलब इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करना है टेन पॉइंट व्यूज ऑफ बेरिम्स वेलो जो व्यूज uh, होते हैं बेरिम्स वेलो के वो कौन कौन से हैं एलेवन पॉइंट है कम्प्लीकेशन्स मतलब प्रोसीजर करने के बाद कौन कौन सी पेचीदियाँ पैदा हो सकती हैं कौन कौन सी कम्प्लिकेशन्स हो सकती हैं ट्वेल्थ पॉइंट आफ्टर केयर मतलब प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट की केयर कैसे की जाती है चलें जी हम अब इन पॉइंट्स को डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं मैं आपको अब बता चलूँ कि मैंने इन पॉइंट्स को इंग्लिश और उर्दू दो दोनों में लिखा है ताकि आपको ईजीली समझ आ सके फर्स्ट पॉइंट था वाट इज़ अ बेरम्स वेलो बेम्स वेलो क्या है बेरम्स वेलो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम फेरिंग्स एसोफेगस और स्टमक का प्रोक्सिमल पार्ट देखते हैं सिंपली मैं कहूँ तो ओरल कैविटी से जो स्टमक का पार्ट होता है फंडस ऑफ स्टमक तक देखने के लिए बिरम्स वेलो प्रोसीजर किया जाता है इस प्रोसीजर में सिंगल कंट्रास्ट या डबल कंट्रास्ट स्टडी की जाती है इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने में हमें 10 से 20 मिनट लगते हैं क्लिनिकल इंडिकेशंस देखते हैं जी बेमिसलों की फर्स्ट uh, पॉइंट है डिस्फेजिया एंड ऑब्सट्रक्शन डिस्फेजिया मतलब इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए डिस्फेजिया का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ निकलने में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आ रही एंड ऑब्सट्रक्शन मतलब कोई रुकावट ऑब्सट्रक्शन वगैरह तो नहीं हो गया सेकेंड uh, पॉइंट है गैस्ट्रो इसगल रिफ्लैक्स डिजीज़ गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक इसोफिगल ईसोफिगस मतलब जो बोलस फूड हमारे इसोफेगस से जाती है स्टमक में कहीं वो इसोफेगस में वापस तो नहीं आ जाती स्टमक से तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफिगल रिफ्ल रिफ्लैक्स डिजीज़ इस कंडीशन में भी अगर ये केस हो तब भी बेरमसॉलो प्रोसीजर करवाया जाता है थर्ड पॉइंट है मीडियास्टिनल मैस कोई मैस तो नहीं हो गया है मीडियास्टिनल में फोर्थ पॉइंट है हार्ट बर्न एसिडिटी वगैरह के केस में भी बेरमसालो प्रोसीजर करवाया जाता है परसिस्टेंट वोमिटिंग, वोमिटिंग वगैरह हो तब भी बेरसेलो प्रोसीजर करवाने के लिए कहा जा सकता है सिक्स पॉइंट है, असेसमेंट ऑफ फिसोला फिसोला का मतलब होता है कि दो ऑर्गन्स के दरमियान जो अनवांटेड ओपनिंग होती है उसको हम फिसोला कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रिगर्गीटेशन मतलब बैक फ्लो अब हम बात करते हैं बेरोसेलो के कंट्रेडिकेशंस के बारे में मतलब किन कंडीशन में हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते फर्स्ट पॉइंट है एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया अगर पेशेंट को एलर्जी होती है कंट्रास्ट मीडिया से तब ये हम प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे सेकेंड पॉइंट है परफ्रेशन मतलब अगर कंट्रास्ट देंगे तो बेरियम लीक हो सकती है जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है इस कंडीशन में इस केस में भी हम बेरियम साल प्रोसीजर नहीं करेंगे थर्ड पॉइंट है एस्पीरेशन मतलब जब कंट्रास्ट मीडिया अपने पार्ट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं और चला जाए इस केस में भी हम बेरियम सारा प्रोसीजर नहीं करेंगे फोर्थ पॉइंट है ट्रैक्यो इसोफिगल फिस्योला मतलब कि विंड पाइप और फूड पाइप में कोई ओपनिंग है तो इसकी वजह से भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि जब हम बेरियम देंगे तो वो फूड पाइप फूड पाइप से ट्रैक्यो में चली जाएगी जिससे पेशेंट को ब्रीथिंग में मसला हो सकता है अगर हम देखेंगे जी पेशेंट ऑफ प्रिप्रेशंस क्या है जो पेशेंट है उसको एग्जामिनेशन से पहले मतलब प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले पाँच पाँच घंटे पहले खाना पीना नहीं चाहिए मरीज को चाहिए कि वो डॉक्टर्स की मेडिसिन वगैरह भी बंद कर दे मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री ले ली जाती है थ्रू रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस टेक्नीशियंस के ज़रिए मरीज को प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले हमें बता देना चाहिए कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाना है ताकि वो जब प्रोसीजर के दौरान वो किसी भी खौफ या मतलब वो परेशान ना हो नेक्स्ट है प्री मेडिकेशंस इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है कंट्रास्ट मीडिया बेरियम वैलो में बेरियम यूज होता है सिंगल कंट्रास में थिन बेरियम हंड्रेड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कम से कम 60 एम से 70 एम यूज़ होता है सिंगल कंट्रास्ट मीडिया मोन्टेलिटी की खराबियों मीन के मोटेलिटी डिसऑर्डर्स मोटेलिटी डिसऑर्डर मीन होता है कि एबनॉर्मल मसल्स एंड नर्व कॉन्ट्रैक्शन और स्टिकर्स की तशहस में मुफीद है मतलब कि एसोफिजियलचर्स का मतलब होता है एन एब्नॉर्मल टाइटनिंग और नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस सिंगल कंट्रास्ट देने का मकसद मतलब कि ना इस फीचर्स बीमारियों के इमेजेस के नतज का अच्छे तरीके से जायज़ा लेना होता है डबल कंट्रास्ट, डबल कंट्रास्ट में हम थिक बेरियम यूज़ करते हैं थिक बेरियम क्यों यूज़ करते हैं मिकोसल कोटिंग देखने के लिए थिक बेरियम 200 हंड्रेड वेट बाय वोलियम टू टू फिफ्टी वेट बाय वोलियम कम से कम 15 एम से 20 एम यूज़ करते हैं डबल uh, कंट्रास्ट मीडिया यूज़ क्यों किया जाता है डबल कंट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाता है इसोफिजियल मिकजज़ा और सब मिकजा में इन्फेक्शन सोजिश और न्यू प्लाज वगैरह का जयजा लेने के लिए मतलब इनको जो क्या कहते हैं सब मिकजा होता है और इसोफिजियल मिकजा इनको वाजह तौर पर देखने के लिए डबल कंट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाता है चलें जी आगे इक्विपमेंट्स रेडियोग्राफिक लोरोस्कोपी यूनिट बेरियम सल्फेट पाउडर जूस गिलास और स्ट्रॉ, पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जूस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट को बेरियम सल्फेट पाउडर निगलने में आसानी हो एक्सपोजर फैक्टर्स देखते हैं सिंगल कंट्रास्ट मीडिया में हम हाई के और ज़्यादा एम रखते हैं और डबल कंट्रास्ट मीडिया में हम सिंगल कंट्रास्ट की रूबत थोड़ा कम के और कम एम इस्तेमाल करते हैं टेक्निक क्या है जी बेरियम फैलो की बेरियम सैलो प्रोसीजर करने के लिए मरीज़ को फ्लोस्कोपी के लिए रखा जाता है अगर गैस पैदा करने वाली गोलियाँ मतलब टैबलेट्स इस्तेमाल करनी हो तो इसे बेरियम या पानी के एक घूट के साथ तकरीबन ट्वेंटी टैबलेट्स निकलने को कहा जाता है इन सब टैबलेट्स को एक ही वक्त में निकल लेना चाहिए और मरीज से कहा जाता है कि वो इसके स्टमक में गैस भर देंगी और इसे बाहर ना निकलने का कहा जाता है स्टमक का जो फंडस पार्ट होता है वो जल्द ही गैस के साथ फैल जाता है और फिर मायना करने में आसानी होती है फिर के मुंह में बेरियम रखवा दिया जाता है और जैसे ही वो बेरियम को निकलता है इसी वक्त एक्सपेयर देख के मुख्तलिफ इमेज़ लिए जाते हैं व्यूज़ देखते हैं जी बेरियम वालों के सबसे पहले हम प्लेन ए पी लेते हैं इरेक्ट में इरेक्ट पोजिशन में फिर हम कंट्रास कहते हैं बेरियम मुँह में रखवाते हैं जैसे ही वो निकलता है तो साथ साथ व्यूज़ लिए जाते हैं कौन कौन से व्यूज लेते हैं ये देखते हैं पहला व्यू लिया जाता है एपी व्यू इरेक्ट फिर राइट ओब्लिक व्यू इरेक्ट लिया जाता है अगर जरूरत पेश हो तो फिर लेफ्ट ओब्लिक लेफ्ट भी लिया ले जाता है लेफ्ट ओब्लिक व्यू रैक्ट में इसके बाद लेटरल व्यू रैक्ट और फिर लास्ट में हम एपी व्यू लेते हैं स्टमक को देखने के लिए कि स्टमक तक कंट्रास्ट पहुंचा है या नहीं चलें जी अब हम कंप्लीकेशन देखते हैं बेरमिस फैलो प्रोसीजर की एस्पिरेशन मतलब जब कंट्रास्ट मीडिया अपने पार्ट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं और चला जाए एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया जब पेशेंट को एलर्जी हो कंट्रास्ट मीडिया की वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग सांस लेने में मुश्किल हो वोमिटिंग वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए लास्ट पॉइंट है ट्वेल्व आफ्टर केयर जब पेशेंट का प्रोसीजर हो जाता है तो उसे डिपार्टमेंट में कुछ देर रुकने के लिए कहा जाता है क्योंकि कोई रिएक्शन वगैरह होने का खतरा भी हो सकता है मरीज को हिहत हम देते हैं कि उसका जो स्टूल होगा वो थोड़ा लाइट कलर में होगा बेरियम की वजह से इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि बेरियम जल्दी से पास आउट हो जाए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें जी जजाकल्ला